आगरा की दलित राजनीति से उभरता हुआ चेहरा बेबी रानी मौर्य का नाम इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेबी रानी मौर्य का जन्म 15 अगस्त 1956 को एक जाटव परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही बेबी रानी मौर्य तेज तर्रार और सकारात्मक सोच रखने वाली रही हैं, जिसके चलते शिक्षा दीक्षा के दौरान भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए और एमए के साथ बैकुंठी देवी महाविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त की है। मैंने आगरा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की, फिर एमए की हासिल की, फिर मैंने बैकुंठी देवी डिग्री कॉलेज से बीएड की डिग्री। इसके अलावा अगर बेबी रानी मौर्य के परिवार की बात करें तो उनके पति सुरजीत मौर्य पीएनबी बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, जबकि दो बच्चों में बेटा व बेटी दोनों इंजीनियर हैं। बेटी अमेरिका में सेटल्ड है, जबकि बेटे अभिनव मौर्य का आगरा में ही अपना बिजनेस है। 90 के दशक में बेबी रानी मौर्य ने राजनीति की ओर रुख किया। उन्होंने सन 1992 से राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकर्ता की। 1995 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आगरा से महापौर का चुनाव भी लड़ी और भगवा झंडा लहराते हुए आगरा की पहली महिला मेयर होने का गौरव प्राप्त किया। मेरी भाजपा में 94 में ज्वाइनिंग हुई थी और 95 में मैं आगरा की मेयर बनी। इसके बाद तब से मैं भाजपा के लिए कार्यकर्ता। इसके बाद वर्ष 2002 से 2005 तक उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। इसके बाद वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बेबी रानी मौर्य भाजपा के टिकट पर आगरा की एतमादपुर सीट से चुनाव लड़ी और महज 2000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश बाल कल्याण बोर्ड का सदस्य बना दिया। बेबी रानी मौर्य संगठन में प्रदेश मंत्री भी रही हैं। लंबे समय तक पार्टी में काम करने के चलते भाजपाई राजनीति में दलित चेहरे के रूप में अब तक उनकी एक बड़ी पहचान बन चुकी थी, लिहाजा पार्टी में उनकी निष्ठा और सेवाओं को देखते हुए 26 अगस्त 2018 को बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड की राज्यपाल बनाया गया। लगभग तीन वर्ष से एक महीना में गवर्नर रही उत्तराखंड की, उसके बाद फिर सक्रिय राजनीति में लौट आई है और आज विधायक है। यहाँ भी उनकी कार्यकुशलता और परिपक्व राजनीतिक सोच को ध्यान में रखते हुए हाई कमान ने उनको सक्रिय राजनीति में लाने का मन बनाया, जिसके बाद बेबी रानी मौर्य ने सितंबर 2021 में राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने उनको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और 94 से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता हूँ। कितनी भी पदों पर रही हूँ, कहीं भी रही हूँ, चाहे मैं उत्तराखंड में रही, मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी मुझे घर नहीं बिठाया। लगातार कोई ना कोई मुझे पद दे के सम्मानित करती रही और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया और अब चुनाव लड़ाया है। मैं पार्टी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे लगातार वो कार्य कराती है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने से न केवल उनका देश के अंदर बल्कि दलित समाज में भी बड़ा कद हो गया। इसके बाद से ही अंदर खाने में चर्चा भी चलने लगी कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज में मायावती के विकल्प के तौर पर बेबी रानी मौर्य को प्रोजेक्ट कर सकती है। आपको बता दें कि इतनी लंबी राजनीति करने के बाद दलित समाज में भी बेबी रानी मौर्य की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। यही वजह रही कि आगरा में दलित समाज का भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में 9 में से 9 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही। इसके पीछे दलित समाज का बड़ा योगदान है और शायद भारतीय जनता पार्टी की भी यह बात समझ में आ चुकी थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 में बेबी रानी मौर्य पर दांव खेला। भाजपा ने उनको आगरा ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से वहां से जीत हासिल की। उनकी जीत के बाद हाईकमान की ओर से उनको इनाम मिलना तय माना जा रहा है और शायद भाजपा को अब तक इस बात पर यकीन भी हो गया था कि मायावती के विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में बेबी रानी मौर्य पर दांव खेला जा सकता है। अब कयास यह लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उनको प्रदेश में दलित चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम भी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के लिहाज से मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज़, आगरा।